हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और सीजी की स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया। ऑल इंडिया का शेड्यूल आने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि स्टेट का भी शेड्यूल आएगा, क्या कुछ चेंजेस आते हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस ऑलरेडी 20th से स्टार्ट हो चुका है। बच्चों एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए आपको सीजीडीएमई की साइट पर विजिट करना पड़ेगा। अभी जो एप्लीकेशन वो फिल करवा रहा है वो इन दो कोर्सेस के लिए है, एमबीबीएस और बीडीएस। वन बाय वन क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हमें अप्लाई करना है सीजीडीएमई की साइट पर, जब आप विजिट करोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन या जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं उनके लिए अलग फॉर्मेट है। सबसे पहले अनरिजर्व और ओबीसी फीस क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो जो अनरिजर्वड हैं ओबीसी के हैं उनके लिए 1000, एससी एसटी के लिए ये फीस है 500 और एनआरआई के लिए 10,000। ये पहला स्टेप है। जब हम एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये फीस पे करते हैं, मतलब हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में ये जो फीस हम पे करते हैं और साथ में चॉइस फिलिंग करते हैं, उस बेसिस पे हमें फर्स्ट काउंसलिंग के बाद कॉलेज अलॉट होता है। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऑनलाइन स्टार्ट होने का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है 20 जनवरी और एंड होने की डेट है 28 जनवरी, मतलब प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20th से और कंप्लीट होगा 28 पे। तो आप टारगेट रखे चलो कि आप 25 तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे। एटलीस्ट हमें 3 डेज का मार्जिन रखना है क्योंकि जो पैसे हमें पे करने हैं वो बैंक से कई बार जल्दी क्लियर नहीं होता, तो आप एटलीस्ट 48 आवर या 72 आवर्स का मार्जिन रख के चलोगे। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लोगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद जो फीस हमें पे करनी है कॉलेज अलॉट होने के बाद फर्स्ट काउंसलिंग की, अनरिजर्व के लिए 10,000, एससी एसटी ओबीसी के लिए 5,000 और अगर आप प्राइवेट कॉलेज भी डालते हो जो हमें फर्स्ट काउंसलिंग के समय डालना पड़ेगा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी फीस कितनी है, दोनों ही केसेस में 1 लाख। चाहे आप रिजर्व कैटेगरी के हो चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, आपको 1 लाख पे करना पड़ेगा। तो जब हम फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने ब्रेन में ये क्लियर रखना है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, एमबीबीएस और बीडीएस दोनों चाहिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों चाहिए, क्योंकि ये सारी च्वाइस केवल फर्स्ट काउंसलिंग के समय ही अवेलेबल है, जिसे क्लियरली लिखा हुआ है। केवल एमबीबीएस के प्रथम आवंटन के पश्चात पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी पंजीयन शुल्क जमा कर एवं पुनः संस्था चयन हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और वो अभी है। तो मैं कहूँगा जितने स्टूडेंट्स हैं जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवा लो, क्योंकि इसके बाद आप रजिस्टर नहीं करवा सकते हो। और टाइप ऑफ कॉलेज गवर्नमेंट प्राइवेट एनआरआई में अथवा कोई भी परिवर्तन बाद में नहीं किया जाएगा, प्रथम ऑनलाइन आवेदन में ही इसका विवेकानुसार चयन करें। आप चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज चाहिए, एमबीबीएस बीडीएस चाहिए, प्राइवेट चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि इस बार फर्स्ट टाइम एक ही बार केवल फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, बार बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्योंकि ऑल इंडिया पीएमटी में क्या है कि हम सेकेंड राउंड में मॉपअप राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यहाँ ये ऑप्शन नहीं है। साथ में गवर्नमेंट प्राइवेट आपको दोनों ज्वाइन करना है, प्राइवेट ज्वाइन करना या नहीं करना ये अभी से आपको अपना ब्रेन मेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकेंड में अगर आप चाहोगे भी तो ये ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये बिल्कुल क्लियर है, एमबीबीएस के प्रथम आवंटन के पश्चात पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी पंजीयन शुल्क जमा कर एवं पुनः संस्था च्वाइस हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा। किंतु टाइप ऑफ कॉलेज सीट गवर्नमेंट प्राइवेट एनआरआई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नेक्स्ट है, पंजीयन शुल्क में यह राशि रिफंडेबल है किंतु
अगर आपने सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, सेकंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हुआ गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसके बाद अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो तो फीस रिफंड नहीं होगी। किंतु द्वितीय काउंसलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेश नहीं लेते हैं तथा प्रवेश लेकर सीट त्यागते हैं तो यह राशि फॉरफिट कर ली जाएगी। बीडीएस में बच्चों ये फीस नहीं लगने वाली है, बीडीएस में ये जो 10,000 या 1 लाख है ये नहीं लगेगा, सिर्फ एमबीबीएस के लिए है। गवर्नमेंट के लिए 10,000, कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी के लिए 5,000 और प्राइवेट के लिए सभी के लिए 1 लाख है जो क्लियर दे रखा है। तो आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको प्राइवेट लेना है या नहीं लेना है, मार्क्स के बेसिस पे, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है। जनरल के अगर 540 प्लस है तो इन जनरल मिल जाना चाहिए, और 535, 538, 530 ये सब बाउंड्री लाइन पे हैं। तो अब अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके ये डिसाइड करके पहले से बैठो कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता तो हमें प्राइवेट लेना है या नहीं लेना है, और अभी ऑप्शन में आपको फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन पंजीयन आवश्यक जानकारी, इस बार जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है चिप्स के वाया करवाई जा रही है, तो इस बार सीजीडीएमई को हमें कॉल करके बार बार परेशान नहीं करना है। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो चिप्स के वाया अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसका फ़ोन नंबर और मेल आईडी उन्होंने दे रखा है। जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो 2018 रूल के अकॉर्डिंग होता है। जिन बच्चों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है उसमें लास्ट 3 ईयर के काउंसलिंग प्रोसीजर 2018 में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं सभी का वीडियो मैंने शेयर कर रखा है, साथ में 2018 का PDF भी है, तो जिसे आप सबको डिटेल में पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही संस्था का चयन भी करें, क्योंकि च्वाइस हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। जब अभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो उसी समय आपको च्वाइस फिलिंग भी करनी है। च्वाइस फिलिंग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, अगर आपकी रैंक नीचे है या ऊपर है सबके लिए सेम च्वाइस फिलिंग। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है कि हम पहले हमारी रैंक नीचे है तो हम जगदलपुर या रायगढ़ अप्लाई कर देंगे, च्वाइस नंबर 1 रख देंगे तो कॉलेज मुझे पहले मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको रायपुर, बिलासपुर, राजनंदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, कांकेर, ये च्वाइस फिलिंग में सीक्वेंस फॉलो करना है। रायपुर के बाद आप बिलासपुर या राजनंदगांव कौन सा अप्लाई करते हो ये डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे। अगर आप दुर्ग भिलाई के हो तो मैं कहूँगा राजनंदगांव ले लो, अगर आप बिलासपुर के हो तो बिलासपुर आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, जगदलपुर के हो तो जगदलपुर चॉइस ले लो। अब ऐसा मत करो कि सर ने कहा वीडियो में रायपुर के बाद राजनंदगांव या बिलासपुर है तो यहाँ आ जाते हैं। सारे कॉलेज इक्वली गुड हैं, केवल न्यूली ओपन्ड आप छोड़ दो अंबिकापुर, रायगढ़ और कांकेर, बाकी आपकी जो लोकेशन है घर के पास का मेडिकल कॉलेज चूज कर लो, सबसे बेस्ट यही रहता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि किसी ने कह दिया तो हम यहीं जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के बाद लॉक और सबमिट, आपने सबमिट कर दिया है, कोई गड़बड़ हो रही है, एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1,000 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी। अप्लाई करते समय हर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, अगर आप उसमें एडिट करोगे तो 1,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो पिताजी का ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ाना हम लोगों को। काउंसलिंग की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी हेतु बार बार हम कहते हैं दिन में 3 बार आपको विजिट करना है, सुबह दोपहर शाम, जैसे लोग दवा खाते हैं जब तक एडमिशन हो नहीं जाता सीजीडीएमई की साइट पे दिन में कम से कम 3 बार विजिट करना है। सीजीडीएमई वालों का कोई भरोसा नहीं, रात में 12 बजे अचानक वो अपडेट कर देते हैं कई बार, और सुबह आपको फॉलो करना रहता है। जो बच्चे आगे हम कह रहे हैं फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मापअप राउंड, जो भी डिटेल है वो सीजीडीएमई की साइट पर आएगी, 2018 के रूल्स फॉलो होंगे। और ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई त्रुटि है बैंक गेटवे से जमा ना होने पर आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। ऑनलाइन पेमेंट कौन सा फॉलो करना है, मैं जैसा कह रहा हूँ कि आप अपने गूगल पे से अपना ही ट्रांजैक्शन फॉलो करना या फैमिली मेंबर का, कैफे वगैरह के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। प्रथम काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा कराना, मतलब स्क्रूटनी करवाना। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाता है
तो स्क्रूटनी करवा करके आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। सपोज हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है, सपोज हमें संकरा अलॉट हो गया प्राइवेट कॉलेज, आप स्क्रूटनी करवाओगे, स्क्रूटनी करवाओगे, 1 लाख रुपीज़ आपने जो जमा किए हैं वो जमा रहेंगे, लेकिन कॉलेज की फ़ीस नहीं जमा करनी है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिला है तो कॉलेज की फ़ीस जमा होगी। यहाँ भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। प्रथम काउंसलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी कराना एवं पात्र होना आवश्यक है तथा शासकीय, क्लियर लिखा हुआ शासकीय मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, प्राइवेट में नहीं। लेकिन अगर आपको जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर ये मिला है तो आप जाकर के एडमिशन ले लो। अगर प्राइवेट मिला है तो स्क्रूटनी करवाना आवश्यक है, एडमिशन लेना आवश्यक नहीं है। आप सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन ले सकते हो। सपोज़ आपको लग रहा है कि सेकेंड काउंसलिंग में हमें तो मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, अभी हम प्राइवेट की इतनी फ़ीस क्यों जमा करें, तो आप प्राइवेट की फ़ीस मत जमा करो। फर्स्ट में 1 लाख रुपए जो आप जमा कर चुके हो वो आपका सिक्योरिटी मनी पहले से जमा है, सिर्फ स्क्रूटनी करवाओ। सेकंड काउंसलिंग के बाद भी अगर आपको प्राइवेट मिलता है तो अब आपको जाकर के एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज आपको 1 लाख रुपए जो आपने जमा किए हैं वो नहीं मिलेंगे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना आवश्यक होगा, अन्यथा अपात्र हो जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको रायपुर बिलासपुर मिला तत्काल जा करके एडमिशन ले लो और मुझे आकर के लड्डू खिला दो, सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कहीं कोई समस्या नहीं है। यदि केवल NRI के लिए कह रहे हैं, सेकेंड काउंसलिंग में आवंटन होता है तथा आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाने पर, तो ये तो फॉरफिट हो जाएगा जो भी आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है। ऑनलाइन आवेदन पश्चात आगामी कार्रवाई हेतु काउंसलिंग शेड्यूल हमें फॉलो करना है, और ST का 32% है जिसमें 30% और 2% में डिवाइडेड है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा CGDME की साइट पर विजिट करना है। किसी भी कंडीशन में आवेदन में एडिट ऑप्शन का लाभ लेने पर आपके द्वारा ईमेल और मोबाइल नंबर में चेंज नहीं होगा। तो मैं पहले से भी कहता हूँ अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिक्स रखो, इन्हें चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो, ये दो चीज़ें आपकी फिक्स रहेंगी। और जो भी प्रोसेस करना है एटलीस्ट 36 आवर पहले कह लो, मैं तो कहता हूँ 72 आवर्स पहले कर लो, आज ही कल में आप चीज़ों को क्लियर कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। बच्चों ये फॉर्म भरने का प्रोसेस सिंपल है, चॉइस फिलिंग भी मैंने आपको बता दी, ज़्यादातर चीज़ें अपने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। अगर कोई इशू है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। Bye to all of you.